कानपुर के थाना कोहनापुरी पूरी टीम का कोरोना चेकअप किया गया है। इसमें डॉक्टर हिमांशु मिश्रा की टीम ने चौकी व थाने पहुंचकर चेकअप किया, साथ ही सुरक्षा कर्मियों को कोरोना से बचने के लिए कुछ जरूरी टिप्स भी दिए। उन्होंने कोरोना से बचने के लिए टीम को बताया कि आप सभी सोशल डिस्टेंस का खास ख्याल रखें और समय समय पर अपने हाथों को सैनिटाइजर भी करते रहें, साथ ही किसी भी अनजान व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सर, आज आप लोग निकले हैं जी, किस उद्देश्य से निकले हैं, किस कारण निकले हैं? देखिए, ये आज पहला दिन नहीं है हम लोगों का, ये काफ़ी दिन हो गए हैं। हम लोगों ने ये मुहिम शुरू करी चकेरी थाने से शुरू करी है और सारे थाने कवर करेंगे कानपुर के 45। और आप देख सकते हैं कि सुबह 8 बजे से हम लोग निकल गए थे और सब हमने कवर किया है। हर पुलिस वाले का निरीक्षण परीक्षण जो हेल्थ स्क्रीनिंग हो रही है इस बात के लिए हो रही है कि उनको भी संतुष्टि मिले कि बहुत से लोग हाइपरटेंसिव हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, परेशान हैं, आज वो रिलैक्स हैं। पूरा कोना थाना आज स्क्रीन किया गया और उसके पहले कल ग्वालटोली थाना पूरा और उससे पहले ग्वालटोली की जो वो क्या कहते हैं चौकी है वो अनदेश्वर मंदिर के सामने वो स्क्रीन करिए, उससे एक बूस्टिंग आई। और उसमें से जो हमने देखा कि काफ़ी लोगों के जिसका डायबिटीज़ या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे उनके बीपी बढ़े हुए थे, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा था। सर, एक चीज़ ये है कि क्या यूपी पुलिस के लिए ये है कि और भी हम सबके लिए, ये सबके लिए, क्योंकि ये लोग बेचारे 24 घंटे की सेवा दे रहे हैं, मेडिकल लाइन का आदमी 24 घंटे सेवा दे रहा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनको भी देखें क्योंकि वो हमारे देश को देख रहे हैं। अगर हम उनको नहीं देखेंगे तो फिर कैसे ये मामले आगे बढ़ेंगे, कैसे वो सबको पे सर्वाइव करेंगे? और वो उनके अंदर भी तो एक पैनिक अटैक आता है कि सब हम ऐसे कर रहे हैं हमारे को इन्फेक्शन ना हो जाए। तो जब स्क्रीनिंग करी तो हेल्दीनेस आया, उनके ब्रेन वॉश हुए और उनको अच्छा लगा, उनके कार्य प्रणाली में सुधार आ रहा है।